हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स इस वीडियो से शायद मैं क्लियर कर पाऊंगा। ये नहीं कह रहा कि 100% मैं क्लियर कर दूंगा, बस जितना मुझसे बन पाता है मैं करने की कोशिश करूंगा। अभी एनुअल एग्जाम्स बहुत ही पास है, टू मंथ टाइम रह गया है। अब क्या होगा, स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट होगा। किस तरह डाइवर्ट होगा, हम क्या पढ़े, मॉडल पेपर्स पढ़े, वो बुक्स से पढ़े, या हमारे नोट्स पढ़े, या टीचर्स का इंपॉर्टेंट पढ़े, या कोई और दे रहे वो इंपॉर्टेंट पढ़े। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आएंगे। इसको मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा, वो अच्छी तरह सुनिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट अगर कोई टीचर या कोई दे रहे हैं तो उस इंपॉर्टेंट को उतना इंपॉर्टेंट मत दीजिए कि आपने जो याद किया है उसको भूलकर नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बस उस इंपॉर्टेंट को देख लीजिए, अगर आपने उस टॉपिक को याद किया है तो याद कीजिए, रिमेंबर रिवाइज कीजिए, अगर याद नहीं किया है तो बाद में याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपने जितना पढ़ा है उसको छोड़कर नए टॉपिक के पीछे बिल्कुल मत जाइए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हम कौन से मॉडल पेपर खरीदे, हम कौन से सीरीज का मॉडल पेपर खरीदे, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा एग्जाम में आएगा। देखिए, मॉडल पेपर सभी सेम होते हैं, पेपर्स आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, सभी मॉडल पेपर का पैटर्न सेम होता है। आप अगर चाहते हैं तो आप एक दो मॉडल पेपर्स खरीद के कंपेयर करके देखिए। आप खरीदिए मत, आप एक कोई भी एक सीरीज का ले लीजिए, आप कोई दूसरी सीरीज का आपके फ्रेंड के पास होगा, लेकर कंपेयर कीजिए, सेम एज इट इज रहेंगे। मॉडल पेपर हमारे लिए सपोर्टिंग एक्ट करेगा, सपोर्टिंग रहेगा, बल्कि हम सिर्फ मॉडल पेपर ही रट कर जा रहे हैं, मॉडल पेपर याद कर, एक दो मॉडल पेपर याद कर लेके सोच रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं है। मॉडल पेपर आपको बेनिफिट ये दे सकता है कि पिछले पेपर्स में से कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा आंसर्स पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा टच किए गए हैं, वो टॉपिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जितना पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना है, जो आप नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को अपना वेपन बनाना है, उसी नोट्स को आपको फॉलो करना है। नए आंसर्स, नए मॉडल पेपर्स, नए नोट्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर आप जाते हो तो वक्त की बर्बादी है, आप ये भी नहीं कर पाओगे, वो भी आप नहीं कर पाओगे, दोनों तरफ से आपके पास नुकसान होगा। कोई भी आप ले लीजिए मॉडल पेपर, कोई भी सीरीज का ले लीजिए, कोई भी ऑल इन वन ले लीजिए, वहां से आप अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। शर्त है सिर्फ लेना नहीं है, उसको सीरियसली पढ़ना भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉडल पेपर लेते हैं, फेंक देते हैं, फिर वही अपना करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ले रहे हैं तो सीरियसली आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, एक आध घंटा डेढ़ घंटा टाइम उसके लिए अलग निकाल लीजिए, अपने रेगुलर वर्क के लिए अलग निकाल लीजिए, जब जाकर उस मॉडल पेपर का फायदा होगा। और मॉडल पेपर से आपको बेनिफिट ये भी होगा कि पेपर का पैटर्न आपको पता चल जाएगा, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक हम कर सकते हैं। अगर एक मॉडल पेपर सामने रखकर सोचेंगे यही मॉडल पेपर मुझको बोर्ड एग्जाम में आता तो मैं इसको कितने परसेंट लिख सकता, इस तरह बहुत सारे एनालिसिस आप करने का बेनिफिट रहेगा मॉडल पेपर से। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, अपने नोट्स को पढ़िए, जो रिवीजन किए उसको सीरियसली पढ़ते जाइए, उसको एग्जाम्स तक रिवाइज करते जाइए। अगर मॉडल पेपर में कोई नया टॉपिक मिल रहा है तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि पूरा मॉडल पेपर, एक दो मॉडल पेपर, तीन मॉडल पेपर रट्टा मार के याद कर लिए और सोच लिए कि फुल कॉन्फिडेंस हो गए कि हम एग्जाम में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। मॉडल पेपर के टॉपिक चुनिए, टिक कर लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर इसका बेनिफिट होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी मॉडल पेपर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर जो स्टूडेंट्स अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो वो लोग अपना मॉडल पेपर लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।